है वॉडी सब पीपल, कैसे हो भाई लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पबजी मोबाइल इंडिया की एक न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों ये न्यूज़ बिल्कुल रियल है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट की तरफ से आ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि पबजी मोबाइल इंडिया जो है MCA वेबसाइट पे, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री कॉरपोरेट अफेयर्स, जो आप गूगल पर सर्च करके आप भी चेक कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम जो देख रहे हो, पबजी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, और जो ये कर्नाटका में इनका हेडक्वार्टर है, और इन्होंने जो डेट है, जो इनका जो अप्रूव हुआ है वो डेट है 21 नवंबर, जो आप देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर, और ये एलोकेट हो चुकी यानी अप्रूव हो चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं इसके जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक इंडियन डायरेक्टर है और एक है जो साउथ कोरियन है। तो आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे इंडियन डायरेक्टर भी है इसके अंदर। तो देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्टर के नाम भी आपको शो हो रहे हैं, कुमार कृष्णा अय्यर, और इनकी ट्विटर पे जो ID भी है। और आप देख सकते हो पबजी मोबाइल इंडिया का जो है एक ईमेल भी आ चुका है, और साथ ही में इनका जो है आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है ये लीगल हो चुकी है। तो इससे हमें पता चल ही रहा है कि पबजी मोबाइल इंडिया जो है काफ़ी जल्दी इंडिया में आने वाला है। तो अब डेट तो यार मैं नहीं बता सकता कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा, पर इंडिया की साइड में जो ऑफिशियली इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया और ये अप्रूव हो चुके हैं, तो काफ़ी जल्दी आने वाला है। मुझे लगता है गाइस ये कुछ ही दिनों में हमें देखने के लिए मिल सकती है गेम। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ थी ये काफ़ी गजब की न्यूज़ थी। तो पबजी मोबाइल वाले भी लगे हुए अपने $100 मिलियन इन्होंने लगाए थे उनके लिए। तो आप देख सकते हो ये चाहते हैं कि गेम आगे जाके कहीं रुके ना, इसलिए ये जो है लेट डिले कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं गाइस कि जो डिले हो रहा है वो अब गवर्नमेंट से ऑफिशियली हो चुका है अप्रूव, तो हमें अभी गेम जो है जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों जो फेक न्यूज़ है और फेक ह्यूमर्स आ रहे हैं जो इंटरनेट पर, उन पर विश्वास ना करें, पबजी मोबाइल ऑफिशियल ने भी ऐसा कहा है। तो दोस्तों आई होप आशा करता हूँ ये न्यूज़ सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि पबजी मोबाइल इंडिया जो है गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड हो चुका है और जल्दी हमारे इंडिया में आने वाला है। तो दोस्तों आई होप आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ जो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल पर नए तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू वॉच एंड बाय।